चलिए आज हम लोग बनाएंगे अपना खूबसूरत सा बया का घोंसला आप सभी ने सुना होगा ना बया अपना घोंसला बहुत खूबसूरत बनाती है और इसीलिए इस चिड़िया को बोलते हैं वीवर बर्ड इतनी अच्छे से वीविंग करती है अपने घोंसले की ना कि दिल खुश हो जाता है इसके घोंसले को देख के और आज यही घोंसला हम लोग बनाएंगे लगभग जीरो कॉस्ट में दो चार रुपये की कीमत अगर छोड़ देंगे और इस घोंसले की खूबसूरती एक और भी है कि अगर किसी भी कारणवश इस घोंसले में चिड़िया नहीं आई ना तो हम लोग इस तरह से सजा सकते हैं नमस्कार जुगाड़ो बिष्टि पर आज का एक बहुत खूबसूरत सा जुगाड़ खूबसूरत सा घोंसला और वो भी टू इन वन इसके लिए देखिए कि ली हुए मैंने प्लास्टिक की बॉटल सैनिटाइजर की मेरी बॉटल थी कोई भी आप बॉटल ले सकते हैं कुछ ऐसा नहीं कि आपके पास इसी तरह की हो है ना और साथ ही साथ यहाँ पर लिए हुए मैंने कुछ नारियल के रेशे <laughs> नारियल कितनी बार इस्तेमाल करूँ समझ में नहीं आता और आप लोग भी सोचते होंगे कि पता नहीं इसको क्या नशा है जब देखो तब नारियल क्या करूँ नारियल का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करती हूँ और बहुत सारा जब इसका इस तरह से मटेरियल इकट्ठा होता है तो सोचते हैं इसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने गार्डन में देखिए बातों बातों में बॉटल का आगे वाला थोड़ा सा हिस्सा मैंने काट के निकाल दिया और अब ये रेशे मैं चिपका रही हूँ इस बॉटल के ऊपर चिपकाने के लिए मैंने लिया हुआ अपना ग्लू गन इस काम के लिए अगर आज आपके पास ग्लूगन नहीं भी है ना तो भी आप ये काम कर सकते हैं आप ये मत सोचिए कि ग्लूगन नहीं है हम लोग नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा फेविकोल लीजिए फेविकोल की मदद से इनको चिपका दीजिए क्योंकि ये रेशे बहुत अच्छे से नहीं चिपकेंगे तो भी हमारा घोंसला इसी तरह से खूबसूरत बनेगा क्योंकि इन छिलकों को बस हमें थोड़ा सा ही सपोर्ट देना है और वो थोड़ा सा सपोर्ट आपका फेविकोल निश्चित रूप से दे पाएगा तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए कहीं दौड़ के मत जाइए कि आपको ग्लूगन खरीदना है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस ग्लूगन के बारे में तो आपको आपकी लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप लोग लिंक मांग सकते हैं अमेजोन से मैंने मंगाया था तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी देखिए अब यहाँ पर ना ये चिपकाने से पहले एक काम करना मैं भूल गई थी यहाँ पर बॉटल में मैंने छोटे छोटे चाकू गर्म करके होल्स बनाए थे और यहाँ पर मैं एक वायर बांध रही हूँ क्यों क्योंकि इसको हैंग करना है ना तो जब ये रेशे चिपक जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी इसलिए ये काम हम लोग पहले कर लेंगे इसको हैंग करने का जुगाड़ बाद में ये रेशे हम लोग तसली के साथ चिपकाते रहेंगे बस पूरी बॉटल को हमें यूँ ही भर देना है ये देखिए पूरी बॉटल में मैंने आगे से पीछे तक रेशे चिपका दिए बस बन गया बेस आप क्या करेंगे अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वायर मेरा था छोटा तो मैं क्या कर रही हूँ ना अभी इसको फिनिश करने के पहले एक और वायर इसमें बांध देती हूँ जिससे कि जहाँ पर भी हम लोग हैंग करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए और ये सब कुछ दो बार आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप पहली बार में थोड़ा सा रस्सी या वायर जो भी ले रहे हैं बड़ा सा लेंगे अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा धागा धागा अगर आपके पास ब्राउन कलर का है तब तो वेल एंड गुड पर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगी जो है उसी से कम चलाऊँगी ना कोई बात नहीं रेड कलर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पर आपका ये धागा दिखे नहीं इसके लिए आप कोशिश करें कि ब्राउन कलर का ही करें क्योंकि ब्राउन कलर जब इसके साथ मैच हो जाएगा ना तो इन रेशों के साथ मिक्स होकर आपको कहीं नहीं दिखेगा रेड वाला धागा थोड़ा सा आपको दिखेगा पर कोई बात नहीं आइडिया आपके पास है तो आप अपना पसंदीदा कलर चुन सकते हैं बस जब ये धागा हम लोग आसपास लपेटेंगे ना तो जो रेशे है बहुत अच्छे से इसमें बंध जाएंगे क्योंकि ग्लू गन पे जब पानी पड़ेगा थोड़ा सा इसमें धूप लगेगी पानी पड़ेगा तो ये बॉटल छोड़ देंगे धागा जब हम लोग लपेट देंगे तो बहुत मजबूत हो जाएगा अच्छे से हम लोग घना घना करके धागा लपेटेंगे और देखिए कितना खूबसूरत सा घोंसला। और इसमें इतना पर्याप्त स्पेस है कि चिड़िया इसमें अगर बैठेगी तो बहुत सुकून के साथ उसके बच्चे यहाँ पर पल सकते हैं इस घोंसले के अंदर बस मैंने टांग दिया है ना? अब चिड़िया का करेंगे इंतज़ार कि कब चिड़िया इसमें आएगी और बैठेगी पर अगर चिड़िया नहीं आई तो ये आइडिया कैसा है ये देखिए भाई चिड़िया का इंतज़ार करेंगे पर बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि चिड़िया हमारे घोंसले में आए सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है तो हम लोग इसमें रख सकते हैं अपना कोई छोटा सा पौधा तो ये आइडिया आपको कैसा लगा बताना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि आपके अपने भी ये खूबसूरत सा घोंसला बना है तो वीडियो को शेयर करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो घंटी भी आपको बजानी है तेज़ी से बजानी है ऑल के बटन के साथ में जल्दी मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक यू